आई थोड़ी देर के लिए हम भीतर से कनेक्टेड होते जाएं। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर दिखाई देना, भीतर देखना, भीतर दिखाई देना शुरू हो जाता है। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, आप देखते रहना। यू आर ए सीयर, तुम देखने वाले हो, दृष्टा हो। अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना, हर पल हर घड़ी जागी जागी रहना भीतर की ओर। स्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, आप देखते रहना। देखना स्वाभाविक रूप में लगातार देखते चले जाना, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आप दृष्टा बनकर की रहना। अत्यधिक देखने में रुचि लेना, मन माया की गति को देखते रहना, मन का विस्तार देखते रहना, माइंड के फैलाव को देखते रहना, मन की एक्टिविटी को देखते रहना, वाच करना। तुम अपने स्वभाव में आना वापस, मन की आदतों में नहीं रहना, अपने स्वभाव की स्थिति में रहना, अपने स्वाभाविक रूप में रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड, रियलाइज इट। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। आप अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना, जो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, भीतर की दिशा में जो जो घटित हो रहा है उसको देखते चले जाना। देखना, केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना, मन की गतिविधियों में कहीं इंटरफियरेंस ना रहे, तनिक मात्र इंटरफियर नहीं करना। जो हो रहा है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है बुरा है, शुभ है अशुभ है, तुम सब देखते चले जाना, वाच करना, बी वॉचफुल। हर कदम, हर क्षण, हर मोमेंट तेरा देखने में हो। देखना निष्पक्ष होकर के, निरपेक्ष होकर देखना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना, कहीं दखल नहीं देना। जो भी हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना। हियर इज मेडिटेशन। पल पल जागे रहना, मन के गलियारे में कहीं सो ना जाना, मन की गतिविधियों में कहीं खो ना जाना, मन के साथ नहीं हो लेना, माइंड की गतिविधियों को जागे जागे देखते रहना, मन से हट करके मन की गतिविधियों को देखना, मन माया के विस्तार को जागे जागे देखते रहना, हर पल हर क्षण हर घड़ी केवल देखने में गुजरे। अवसर चूकना नहीं, ये अनमोल घड़ी, अनमोल समय अपने से मुलाकात का। कदाचित भी मिस नहीं करना, आप इससे वंचित न रहना, पूरा पूरा आनंद, पूरी पूरी मस्ती लेना। करना कुछ भी नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना, माइंड की फिल्म को, माइंड की एक्टिविटीज को देखते रहना।
एकमात्र देखना और कुछ करना नहीं। Simply watch, watch your mind, watch your thoughts. Simply look, simply watch. Watch, only watch. As a neutral energy, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखते रहना, कहीं इंटरफियर नहीं करना माइंड की एक्टिविटी में, माइंड की गतिविधियों में, कहीं भी इंटरफियरेंस ना रहे। तुम्हारे वाच करने से सब कुछ सहज सरल साधारण होता जा रहा। तुम्हारे जागने मात्र से माइंड अपने आप तुम्हारी ओर मुड़ता चला आ रहा है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल अपनी स्वाभाविक स्थिति में, अपनी ट्रू नेचर में स्थित हो जाने की जरूरत है। एक प्यास ही प्यास, दर्द ही दर्द उछले अपनी दीवानगी में, बहुत गहरे उतरते चले आना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो। लगातार जागे जागे देखते रहना मन माया की गति को, मन की विस्तार को देखते रहना। और अगर भाव दशा है तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, डूबते चले जाना अपनी प्यास में। इधर दीवानगी का आलम पिरोना, गहरी डुबकी लगाना, डूब करके ही डिवाइन हो जाओगे, तुम डिविनिटी का शिखर हो जाओगे। विराट अस्तित्व में जगमगाने लगोगे। अगर एक डुबकी गहरी लग जाए प्रभु प्यास में, धन्य धन्य हो जाओगी। पूरी तरह सफाई कर लेना भीतर की, कोई राग द्वेष न रह जाए, कोई ईर्ष्या द्वेष की अग्नि न जले। बहुत गहरे हो जाना, गंभीर नहीं होना, गहरे होना, गहराई छूना। प्यास दर दीवानगी का आलम छलकता चला है। बहुत समय गुजर गया मालिक से मुलाकात ना हो पाई, अपने भीतर बैठे प्रभु से मिलन ना हो पाया, यूं ही गवा दिया अवसर। आज तक तो दूसरों में ही लगा रहा, तूने अपना भीतर ना बनाया, भीतर संवारा ना, भीतर सजाया ना, भीतर बैठे प्रभु से कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं, मिलन की घड़ी ना उतर पाई। ये सौभाग्य उतर जाए तो धन्य धन्य हो जाओगी। अपने ही घर में तो, अपने ही भीतर में तो आनंद मगन होके रहना। जाके जाके रहना, कहीं उलझना नहीं मन की गतिविधि में, कहीं भी खो ना जाना, लॉस्ट ना होना। मन माया के खेल में मन पूरी तरह से नचा के रख देता है, तेरा सारा समय लूट लेता है। जागे रहना, अवसर चूकना नहीं। जागे जागे देखते रहना, जो भी हो रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, इंडल्ज नहीं होना। जो भी हो रहा उसको देखते रहना, केवल देखना और कुछ करना नहीं, केवल वाच करते रहना। वाचफुलनेस इज योर ट्रू नेचर। ओह।
ओंकार आमीन आमीन। मुझे प्रभु वर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। इस मानव जन्म में बस यही एक वरदान दो मेरे मालिक, और कुछ चाहिए नहीं, एकमात्र कृपा करुणा रहमत की नजर चाहिए। मुझे गुरुवर यही वर दो, मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरी ध्यान में खो बैठूं। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरी ध्यान में खो बैठूं। जब जब तेरी याद आए उस याद में रो बैठूं, जब जब तेरा ख्याल आए उस ख्याल में खो बैठूं। मुझे प्रभु वर यही वर दो, तेरी ध्यान में खो
रात जो बापर हो तेरा ही नाम शुभ कर मन की बहलानी को हो गीत तेरे सुंदर मन की बहलानी को हो संगीत तेरा सुंदर तेरे देखी भावों को शब्दों में पिरो तेरे देखी भावों को शब्दों में पिरो शब्दों में पिरोवे तू हृदय के भावों को शब्दों में पिरोवे तू मुझे गुरुवर यही वर दो तेरे ध्यान में खोवे तू मुझे प्रभु दो तेरे प्यार में खो दे दिन सच मुझ खिल जाएगा मेरा रोम रोम उस दिन सच मुझ खिल जाएगा जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा मैं तेरे मिलन के ही शुभ सपन संजोगे मैं तो तेरे मिलन के ही शुभ स्वपन संजोबे तू मैं तेरे मिलन के ही शुभ स्वपन संजोबे मुझे गुरुवर यही वर दो तेरे ध्यान में खो बैठूं मुझे गुरुवर यही वर दो तेरे ध्यान में खो बैठूं प्रभुवर केवल इतनी सी कृपा करुणा बरसा देना यही एकमात्र वरदान देना तेरे द्वार पर हम और कुछ चाहते नहीं एकमात्र तेरा प्यार तेरा प्रेम तेरी मोहब्बत की दुनिया क्या गजब निराली कितनी अत्यधिक
आनंदित करती चली जाती है। मेरा रोम रोम जरा जरा आह्लादित होता चला जाता है। तेरी याद, तेरी स्मृति की दीपिका जलती चली है। ये रोशनी निरंतर बनी रहे, ये प्रकाश निरंतर बना रहे। तेरी प्यास का, दर्द दीवानगी का और कुछ चाहिए नहीं मालिक। घर तो मिल जाएगा तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। मैं क्या एक एक चीज मांगता फिरूं, मैं क्या एक एक चीज मांगती फिरूं, मैं क्या क्या मांगू, कितना मांगू, काहे को मांगू। सारा जन्म तेरे से मांगने में गुजर जाएगा, हाथ फिर भी कुछ लगेगा नहीं, खाली का खाली चल दूंगा, चल दूंगी, क्या हाथ लगेगा। घर तू इतनी सी प्यास बरसा दे कि तेरी ही कृपा करुणा निरंतर बनी रहे, तेरी याद, तेरी स्मृति का दीप जलता रहे। इससे बढ़कर की कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि इसी में सारा का सारा मस्ती का आलम, आनंद का प्रवाह निरंतर बहता है। हर इंसान अगर थोड़ा सा भीतर के साथ जुड़ जाए, अंतस के साथ जुड़ जाए, तो कोई कमी नहीं रहती उसके जीवन में। सब कुर्बान कर देता है मालिक तो जब तेरा होकर के कोई जीने लगता है, वास्तविक रूप में तेरा हो जाने, हो तेरा हो जाने में ही आनंद बरसता। बहुत लोग देखे त्याग करते हैं बाहर, बहुत लोग देखते हैं त्याग करते हैं, किसके लिए, परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए तैयारी करते हैं, हाँ, परंतु भीतर कुछ और ही बना रहता है, भीतर कुछ और चाहते हैं, और चाहते हैं जो बिल्कुल टेम्परेरी है, और चाहते हैं जो केवल सिरदर्दी ही सिरदर्दी है। देखा जाता है बड़े बड़े त्यागी लोग भीतर कुछ और ही चाहते हैं। ऐसों के चेहरे कभी खिले हुए नहीं होते, ऐसों के कभी नूर जगमगाते नहीं, ये सदा बुझे बुझे दीप जलते हैं, बुझे बुझे निरंतर बने रहते हैं। क्या चाहिए, कदम उठाया था प्रभु मिलन की तैयारी के लिए, कदम उठाया था प्रभु मिलन के लिए, और क्या क्या इच्छा बटोर बैठे, क्या कामना, क्या लालच लोग पिरो बैठे जीवन में कि हम अपना लक्ष्य ही खो बैठे। ऐसा कदाचित ना हो, जो भी मिला, जैसा मिला, जहां मिला, जितना मिला, उसी में आनंदित होकर के रहना, आनंदमय होके रहना, मस्ती के आलम होके रहना। कभी दूसरे को मत देखना, तुम अपने परिश्रम से, अपने श्रम से कितना भी कमाना, किंतु उस परिश्रम में परमात्मा का वास हो, उसका प्यार, लगन, उत्कंठा का दीप, उसकी दर्द दीवानगी का आलम निरंतर बना रहे, जो तेरी असली कमाई है। यही कमाई है जीवन की, इसके सिवा कुछ भी नहीं कमाता तू, कुछ भी कमाता नहीं। सब जो भी कमाता है सब ईर्ष्या द्वेष का अगन जलाता है। गर्त उसके भीतर, उसके अंतर्गत प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास की लहरियां नहीं उठी, दर्द नहीं उठा, दीवानगी नहीं उठी, अपने मालिक के साथ, अपने स्रोत के साथ जुड़ जाने की प्यास नहीं उठी, तो दुनिया भर की मालकियत प्राप्त कर लेना, दुनिया भर के ऐशो आराम प्राप्त कर लेना, दुनिया भर की ताकत को पिरो लेना, सब दुख का कारण बन जाएंगे, सब दुविधा बन जाएगी। दो पल का चैन भी तेरे को मिलने वाला नहीं, अगर उसके साथ प्रभु मिलन की प्यास नहीं, दर्द नहीं, दीवानगी नहीं। जो प्रभु मिलन की प्यास, दर्द, दीवानगी के आलम में जो जो उपलब्ध हुआ, वो सब कल्याणकारी, मंगलकारी, वो सब सुखदायी होता है। तेरे परिश्रम में, तेरी मेहनत में, तेरे कर्म में कोई कमी नहीं रहती। दिन रात दौड़ता है तो दिन रात कर्मशील रहता है, परंतु उसके पीछे तेरी कोई किसी प्रकार की कामना नहीं रहती। तो कर्म के लिए कर्म करता है, तो काम के लिए काम करता है, तो सदा 24 घंटे 12 मास भी लगा रहे तो भी तुझको कोई टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन छू नहीं सकता।
कदाचित भी तुझे कोई नेगेटिविटी छू नहीं सकती, गर तू कर्म के लिए कर्म करता है। ये भाव तब आता है जब तेरा रिश्ता प्रभु से जुड़ता है, विराट से जुड़ता है, उस मालिक से जुड़ता है, तो तू सदा स्वस्थ रहता है, आनंदित रहता है, मुदित रहता है, तो सदा सदा सुखी रहता है। हर हाल में सुख ही सुख, खुशी ही खुशी समाई रहती है, क्योंकि जब वो प्यारा तेरे साथ है तो फिर कमी किस बात की है। कितनी सुंदर वाणी है यह, मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। मैं तेरे मिलन के ही निज स्वपन संजोग तू, मैं तेरे मिलन के निज स्वपन संजोग तू, मुझे प्रभु वर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं, मुझे प्रभु वर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। जो वहां पर हो तेरा ही नाम शुभ कर, मन की बहलानी को हो गीत तेरे सुंदर, मन की बहलानी को हो संगीत तेरा सुंदर, भावों को शब्दों में पिरो हृदय के, भावों को शब्दों में पिरो तू, शब्दों में पिरो तू, हृदय के भावों को शब्दों में फिरो मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं, मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे प्यार में खो बैठूं।